20 में एग्जाम को फोड़ के करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्चुअली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेवल क्या है, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं वेदांतु नीट मेड इजी चैनल पे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मॉक टेस्ट का, और उसके बाद एक ओपन डाउट सेशन भी होगा सब्जेक्ट वाइज। तो बस घबराने का नहीं, हमारे साथ रहने का, क्योंकि डर के आगे जीत है। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। ओके, रानू मंडल, सना, स्वीटी, डॉक्टर अभिषेक पटेल, क्रिस्टीना, पलक, शिवम, सागर, अनुष्का, टीम हाइपर, लक्ष्य, सोनम, आफ्ताब, चेतन, स्वीटी, मुकेश, ओके वेदांतु, ओके मुस्कान, अमित, शक्ति, सुनील, अनिकेत, अंकिता, अर्श, शिवम, शक्ति, ओके शुभम, ओके आई एम सुपर सॉरी एवरीवन, आई कांट सी नाउ योर नेम। यस, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। अभी एक घंटे पहले ही हम लोग मिले थे, नाउ वी आर बैक एवरीवन, गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हाउ इज द जोश, सर ने पूछ ही लिया है, सो हाय एवरीवन, यस आई एम गुड, थैंक यू रानू, यस यस यू आर गोइंग सुपर फास्ट, यस आईडी टॉक्स, वाह। चलिए एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन, आई वांट यू टू फोकस हियर। बिल्कुल अभिषेक, जल्दी कर रहे हैं, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू हु वॉचिंग इट नाउ, राइट। चलिए, दिस इज वेरी इजी, यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एवरीवन, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दिस लाइक्स एक्चुअली गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी, एकदम दिल खुश हो जाता है जब आपके लाइक्स आते हैं तो। एंड लेट्स सी दिस एवरीवन, बिल्कुल बिल्कुल, यू विल गेट द पीडीएफ, एंड आई थिंक आपको शायद से आंसर का पीडीएफ नहीं मिला, तो दोनों आंसर्स साथ में आ जाएंगे, ओके। सो ऑल ऑफ यू स्टे देयर इन द क्लास, अब पीडीएफ के चक्कर में निकल के मत चले जाना कि मैम पीडीएफ दे देंगे, अब निकल लेते हैं, यस yes? चलिए जल्दी से आ जाइए बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एवरीवन, द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने बनाया है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बोथ ए कोहेन एंड ऑफ कोर्स वी हैव होबर्ट, राइट, सही है, सही है या नहीं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, यस ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दोनों ही साइंटिस्ट के नाम हैं। बिल्कुल बच्चों, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ बोथ द आंसर शीट्स, चिंता की बात नहीं है, आपको आंसर्स मिल जाएंगे आपके, ओके वेरी गुड। चलिए, इसका जो दूसरा ऑप्शन है उसका है आंसर ये वाला, राइट, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड इज, पहला वाला कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डिस्कस किया था, वो था हिंट टू, ओके एवरीवन। नाउ दीज आर दी, दिस ऑफ कोर्स दिस इज अ न्यू पैटर्न, बट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यस और नो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी फोकस हियर इन द क्लास, इधर उधर मत जाइए। मुकेश बच्चे, ये हम पेपर डिस्कशन करें तो मेंटी नहीं होगा, राइट, चलिए आ जाइए। विच ऑफ द स्टेटमेंट स्टैंड इन फेवर ऑफ ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस क्या प्रोसेस था पहले ये बताओ मुझे, जल्दी से बता दो, यस गुरप्रीत सिंह, लवली स्माइली, यस शिवांशु, वेरी गुड, यस अरुणा, वेरी गुड, यस रिजवान, आरुषि, हाय बच्चे, रिजवान इज ऑल्सो सेइंग राइट, विदुषी, यस यस, लाइफ विच इज कमिंग फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, एवरीवन, लाइफ विच इज अराइजिंग फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर इज द ए बायोजेनेसिस, यस और नो, ठीक, वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट था, ये ऑफकोर्स रिजेक्ट हो गया था, नॉट बीन टेकन, यस वेरी गुड, ओके। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, अब ये मुझे कौन बताएगा, यस नाउ दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट, दिस इज अ डायग्राम, अब यहां पे आपको बताना है ए बी सी या डी। देखिए ए क्या है, यहां पे डीएनए है तो हमारा, राइट,
फिर बी क्या है? एच वन प्रोटीन है, एच वन है, यस और नो? ओके, और सी क्या है हमारा? यस, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. आ जाइए बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर. वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर फोर एवरीवन, यहां पे देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू, माइक्रोस्पोरेंजियम केस में डेवलप करता है, जल्दी बताइए, डेवलप्स इनटू, यस ध्रुवी, किसमें डेवलप करता है? पोलन ग्रेन, माइक्रोगैमेट्स, पोलन सैक्स या फिर मेगागैमेट्स, जल्दी बताओ. माइक्रोस्पोरेंजियम, फोकस करना बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोलन्स. क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पोलन सैक्स. माइक्रोस्पोरेंजियम यहां पे था ना, यस और नो? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, पर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू आंसर. यस, नो इश्यूज, नो इश्यूज एवरीवन, डिड यू गेट इट? वेरी गुड, सी हमारा सही ऑप्शन है. यस, वेरी गुड आदित्य, थैंक यू कृतिका. द टर्मिनल स्ट्रक्चर बच्चों, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमिन इज कॉल्ड एज, टर्मिनल मतलब सबसे पीछे, सबसे ऊपर, एकदम लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जल्दी बताइए, व्हाट इज द टर्मिनल स्ट्रक्चर, जल्दी जल्दी. टर्मिनल मींस पता है ना आपको, ये हो गया टर्मिनल, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ये तो इजी था बहुत. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव एवरीवन. इन अ कॉटन स्मूथ लीफ एंड एब्सेंस ऑफ नेक्टर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ. इन कॉटन बोला है तो कॉटन को कौन इफेक्ट करता था? Who affects the cotton? BT, जो टॉक्सिन जीन था वो किसके अंदर डालते हैं? वेरी गुड क्रिस्टीना, वेरी गुड मौसिक, यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट एवरीवन, बॉल वर्म. ठीक, तो बच्चों देखो यहां पे एक एक मार्क्स के बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे आंसर्स हम लोगों ने देखे. राइट, ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप और जस्ट मेक अ स्माइली, लेट्स Everyone, do make a smiley. Just a small gesture. कि आपको समझ में आ गया, you're there, there with me. जल्दी 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 बताओ. Yes, it's easy. कोई नहीं, अगर गलत हो गया तो हमें सीखने को मिल गया. मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत किए होंगे, तब जाके शायद से इतनी नॉलेज आ पाई है, जो कि बहुत कम है. मतलब नॉलेज तो अभी भी नहीं है. We'll say that, right? Knowledge is never complete. We keep on learning throughout our life. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's see the section number B everyone. A बहुत प्यारा question है अभी हमारे पास में. The distance between A gene and B is 20 map unit. ठीक, A और B के बीच में कितना है? 20 map unit है. B और C gene के बीच में 10 map units है. While A and C के बीच में 30 map units है. Yes? ठीक है, आप बताइए बच्चों, इसमें हमें एक लिंकेज मैप बनाना है. वी हैव टू मेक अ लिंकेज मैप. कैसे बनेगा? यस, लेट्स, इफ यू ट्राई टू डू इट, वी नो दैट, ओके, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी लिख लेते हैं. ठीक है, ए टू बी कितना है? इट्स सेइंग 20 यूनिट्स. फिर बी टू सी कितना बोल रहे हैं? दे आर सेइंग 10 यूनिट्स. और ए टू सी कितना बोल रहे हैं? 30. सही हो गया. ऑल ऑफ यू, डिड यू गेट इट? एवरीवन, समझ में आया? बहुत इजी था ये तो, बहुत ज्यादा इजी था. ठीक, तो माइनस कर देंगे तो क्या हो गया? राइट, बिल्कुल ऑसम एवरीवन, ऑसम. ठीक, देखो आपको पहले तो यहां पे हम ए बी सी तीन पॉइंट्स दिए, वो तो हम लिख लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे. फिर उसका आपने डिस्टेंस लिख दिया, ए बी 20 दिया है, B टू C इतना दिया और A टू C इतना है 30, तो माइनस कर दो. यस, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन. ठीक, चलिए नाउ अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चन ऑफ सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन. ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑफ कोर्स दे टॉकिंग अबाउट द टाइम, किस चैप्टर में है ये बता दो.
यस जल्दी बताइए जल्दी, वेयर वी विल सी दिस ग्राफ, एनवायरमेंटल कंडीशन, यस और नो, यस चैप्टर नंबर 13, यस. There's a two population of herbivorous, everyone, A and B. Can you suggest a possible reason for the change observed? आपको क्या लगता है कि change क्यों आया? Competition? Yes, competition or what? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी. अच्छा chapter का नाम नहीं बताओ, अब answer बताओ. जल्दी बताइए, what is the answer? Okay, कोई बच्चा आरुषि बोल रही है. कंपटीशन है, देवान देवाशीष बोल रहा है कंपटीशन है, रिसोर्सेस की बात है. अरे यूट्रोफिकेशन कैसे हो जाएगा? यस यूट्रोफिकेशन कैसे हो जाएगा? वेरी गुड. अब देखो यहां पे हमने पढ़ा था कि दो एनिमल जब को इंडिपेंडेंटली, वो बर्ड का एग्जांपल याद है आपको? यस राइट. बस आपको वो ही लिखना है. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. ओके बीओडी नहीं है ये बच्चे, बीओडी नहीं है. ओके बीओडी नहीं होगा ये. यस ओके लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड. ओके चलिए. ओके एवरीवन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस. आई एम मूविंग असाइड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि अगर आप कभी डाउनलोड नहीं करते हैं, कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि मैम डाउनलोड नहीं करते हैं, सो एवरीवन जस्ट टेक दिस. Okay, now, yes. Okay. Yes. अच्छा आप लोग बोल रहे कि क्वेश्चन नंबर 7 समझ में नहीं आया. सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम वापस भी जाके देखें, अरे बहुत ईजी था. सी यहां पे क्या बोल रहे हैं, देर आर टू स्पीशी टाइम के साथ में, तो ऑफकोर्स हमें एक स्पीशी दिख रही है कि वो ऊपर जा रही है. यू कैन सी दैट स्पीशी बी इज गोइंग अप राइट, एंड स्पीशी ए इज गोइंग डाउन. डेफिनेटली क्या हुआ है, स्पीशी बी ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है राइट टू डिफरेंट कंडीशंस, वेयर एज स्पीशी नंबर ए अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाई है. यस क्लियर एवरीवन? क्लियर, समझ में आ गया आप सबको? अगर ये दो स्पीशीज एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती तो कि हाँ दोनों मेंटेन कर रहे हैं, दोनों अडेप्ट कर रहे हैं, दोनों इजिली अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं हो पा रहा है. समझ में आ गया ना? वेरी गुड. सौम्या बच्चे ये तो बहुत ईजी है, देखिए ए टू सी की बात कर रहे हैं, सो आई जस्ट एक्सप्लेन यू. ए सी इन्होंने बोला ए से सी का डिस्टेंस कितना है 30, ए से बी का डिस्टेंस कितना है दे हैव रिटन 20, एंड बी टू सी कितना है 10. ठीक, अब आपसे पूछ रहे फाइंड आउट द पॉसिबल ऑर्डर. तो पॉसिबल ऑर्डर तो क्या होगा बच्चों, ए बी एंड सी राइट. बिल्कुल यू कैन मेंशन अबाउट द सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट, बट यू हैव टू मेंशन अबाउट द अडैप्टेशन आल्सो. ठीक है चलिए, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन. ड्यूरिंग द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ड्यूरिंग द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, अभिषेक सही है, कॉम्पिटिशन भी है बच्चे, यू कैन राइट अबाउट इट. अब देखो अडेप्टेशन लिख सकते हो, कंपटीशन लिख सकते हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लिख सकते हो. अब दो स्पीशी एक चीज के लिए कंपीट करेंगे तो क्या होगा, वन विल बी गोइंग अप, अदर विल बी गोइंग डाउन. यस ओके ओके. ड्यूरिंग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स व्हाई इमल्सिफिकेशन इज इन अ बायसेक्सुअल फ्लावर्स इज कंसिडर्ड एज एनिशन. वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टेप है. क्यों? ताकि हम अगर वो फ्लावर है, अगर हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी फॉरन एंथर्स, तो वो बच जाएगा, पोलन ग्रेन्स आके नहीं उस पर आएंगे, एंड ऑफकोर्स देन ऑफकोर्स वी कैन हैव अ हाईब्रीड. यस यस टू रिमूव, टू एक्चुअली प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन. यस बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. इसी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, यू हैव डेवलप अ हाईली हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस. आपने बहुत मेहनत करके एक हाई यील्डिंग और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी बनाई है, बहुत अच्छी बात है, आपने बना ली है. ठीक है, मस्टर्ड क्रॉप की सजेस्ट प्रोसीजर ताकि रिटेंशन हो जाए पर्टिकुलर ट्रेड्स का इन द अपकमिंग जनरेशन. क्या करेंगे जल्दी बताइए,
अगर हमें एक प्योर ट्रेड चाहिए और वो प्रिजर्व करके रखना है आगे की जनरेशन में, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करते हैं? यस, सेल्फिंग. एक सेम चीज प्रिजर्व करनी है बेसिकली. सोचो सोचो सोचो. ओके वेट अ मिनट, जस्ट यस यस एवरीवन. बिल्कुल. तो हम क्या करेंगे, हमें अगर ट्रेड्स प्रिजर्व करके रखने हैं तो वी विल बी डूइंग नथिंग. बच्चों हम लोग उसके इनब्रीडिंग मतलब सेल्फिंग करेंगे पहली बात, राइट? हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे ताकि वो प्रॉपर रहे. बिल्कुल. यस, बस. और ऑफ कोर्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास में और टेक्निक है. प्योर ब्रीड चाहिए ना हमें, तो प्योर ब्रीड को हम कैसे कंजर्व करेंगे? इसी प्रोसेस से. यस, वेरी गुड. यस एवरीवन, सुपर ऑसम. बिल्कुल हर्षित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट लाइक अदर स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है. एपोमिक्सिस क्रायो प्रिजर्वेशन. एपोमिक्सिस में क्या होता है आपको पता है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, सेल अपने आप डिवाइड हो रहा है, राइट? सो इट विल नॉट बी एन एप्ट, इट विल नॉट बी एन एप्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बट हाँ, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता जहां पे हमें पूछ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन अपने आप हो रही है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ न्यू जनरेशन, देन ऑफ कोर्स एपोमिक्सिस मेक सेंस. वेरी गुड देवाशीष, वेरी गुड शिवम, वेरी गुड. क्रायो प्रिजर्वेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड ऑफ कोर्स यूज्ड इन द सीड बैंक, स्पर्म बैंक ऑल्सो टू प्रिजर्व द सीड्स. लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. चलिए, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी. ये ही एक डायग्राम था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीरीज डिस्कस की, उसमें नहीं था. यस और नो, था कि नहीं? नहीं था ना. 3 marks में आपसे नहीं, सॉरी एक्चुअली दिस इज फॉर 2 marks, सेक्शन नंबर 2, 2 marks. यस, वाई शेप. तो आपकी एनसीईआरटी में बच्चों डायग्राम दिया हुआ है, राइट? हैवी चेन, लाइट चेन, ठीक है. डायसल्फाइड ब्रिज आप मार्क करेंगे, एंड ऊपर का जो अटैचिंग पॉइंट है वो भी आप बनाएंगे. ओके, वेरी गुड. एंटीजन बाइंडिंग साइट, वेरी गुड. बिल्कुल बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द प्रोसीजर. जल्दी बताइए बच्चों, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. शुगर केन में कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है, इसका मैं बता देती हूँ. ये मुझे आता है लीव्स में, राइट? ब्रायोफाइलम का वी यू नो इट्स फ्रॉम दी लीव्स. शुगर केन कहां से होता है? बर्ड, राइट? नॉड्स, यस, नॉड्स स्टेम से. बिल्कुल. ओके, वेरी गुड. चलिए, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, राइट? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11. मैम, मूविंग असाइड, प्लीज टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स. चलो, अलोंग दी, ओके, अलोंग दी इंडियन कोस्ट एक ह्यूज पॉपुलेशन है स्क्विरल्स की, और हमें उसके अलग अलग फर मिल रहे हैं. तो अब आपको बताना है कि क्यों डिफरेंस है इनमें, स्पीशीज में, राइट? दे आर आस्किंग कि दो स्पीशीज अलग अलग है फिर भी क्यों डिफरेंस है. ओके, उनके डिफरेंस कलर में डिफरेंस क्यों है वो भी बताना है आपको. एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू हाईलाइट द रोल ऑफ इंडिकेटेड अपीयरेंस. सो समझ में आ गया बच्चों कि दो अलग अलग गिलहरियां हैं, एक तो महाराष्ट्र के घने जंगलों में है और एक गुजरात के जंगलों में है, राइट? सो यू कैन राइट अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन थ्योरी. फर का कलर उनको कैमोफ्लैज होने में, मिमिक करने में या फिर छुपने में बहुत आसानी देता है, इसलिए दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑल्सो. यस, वेरी गुड. अरे वाह, इसे बोलते हैं आंसर आना. चारों तरफ से आंसर आ रहे हैं, ठीक? बिल्कुल सही बच्चों. यहां पे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, जो स्क्विरल है, राइट? एक तो उसकी टेम्परेचर अलग है जहां पे वो प्रेजेंट है, महाराष्ट्र में एंड गुजरात में, देयर इज अ लॉट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस. फॉरेस्ट भी अलग अलग है, एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम. छुपाना है वरना प्रेडेटर खा लेंगे. फॉर दैट डेफिनेटली नेचुरल सिलेक्शन अडेप्टेशन इज वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू राइट. थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. अमन, आपसे बात करूं बच्चे, कैसे बात कर लूं अभी, राइट? चलिए,
ओके जसलीन ने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कर दिया. ये होते हैं हमारे फास्ट बच्चे. सुपर प्राउड ऑफ यू एवरीवन, सुपर प्राउड ऑफ यू. वेरी गुड दीप. क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन सजेस्ट एनी टू वेज पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए. हाँ तो बहुत ईजी हो गया. इलेक्ट्रॉनिक वो लगा लीजिए, स्क्रबर्स लगा लीजिए, प्रेसिपिटेटर्स हैं. राइट दैट टू रिड्यूस द साउंड यू कैन राइट अबाउट द नॉइज, नो नॉइज जोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, चलिए. बिल्कुल यस यस अर्बन यस मौत. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सी. नाउ दिस इज सेक्शन नंबर सी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 marks क्वेश्चन. बच्चों मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आई वॉन्ट योर सपोर्ट. जल्दी से जल्दी ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. आप बस दिमाग में सोचो कि आप एग्जाम में क्या लिख रहे होंगे. सिंपल सी बात है. राइट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 एवरीवन. इन चिल्ड्रन एडीए, बच्चों में एडीए हमने डिजीज पढ़ी है जीन थेरेपी में. राइट डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड इन अदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी वी हैव अदर. ठीक है, दोनों ही अप्रोच से कोई कंप्लीट क्योर नहीं मिल रहा है. आपको बताना है, सजेस्ट एन अल्टरनेटिव मेथड टू इंप्रूव दी राइट परमानेंट क्योर. आप मुझे बताओ परमानेंट क्योर क्या होगा. बच्चों ने लिख दिया आंसर, इट्स जीन थेरेपी. राइट इट्स दी जीन थेरेपी. राइट वेरी गुड. ओके परमानेंट क्योर पूछा है तो ऑफकोर्स जीन थेरेपी. कल का एक क्वेश्चन था जब वी डिस्कस्ड के कोई ड्रग है और जीन थेरेपी उसमें से कौन सा चूज करेंगे. सो वी ऑफकोर्स वी वेंट फॉर दी ड्रग. बट यहां पे केस दूसरा है एंड दे आर होपिंग कि परमानेंटली क्योर हो जाएगी क्योंकि डिजीज ऑल टुगेदर दूसरी है. राइट इज दी जीन थेरेपी. वेरी गुड, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू. यस वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड. एक एक लाइन पढ़ते हैं आप लोग सीबीएसई की, सबसे अच्छी वो बात है. एवरीवन मेक अ क्लैप फॉर यू, ऑल ऑफ यू क्लैप फॉर यू, क्लैप फॉर यू एवरीवन. बी प्राउड ऑफ यू दैट यू आर डूइंग ऑसम. विश्वास रखिए अपने आप पे कि आप अच्छा कर रहे हैं और एग्जाम में एग्जाम पेपर को फोड़ के आएंगे. राइट चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सीम्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप लोगों ने आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया है. ओके डायफ्राम इज विच टाइप ऑफ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. राइट वाह, सो आई विल ऑल्सो अप्रिशिएट एवरीवन एंड ऑफकोर्स क्लैप क्लैप क्लैप. यस व्हेन यू हैप्पी एंड अ सैड पुट योर हैंड समथिंग, देयर वाज अ सॉन्ग व्हिच इज क्लैप क्लैप. यस चलिए नाउ कमिंग बैक ऑन दिस एवरीवन, डायफ्राम इज बेसिकली अ बैरियर मेथड. फीमेल स्टरलाइजेशन, ट्यूबिकटॉमी और वेसेक्टॉमी. वेरी गुड वेसेक्टॉमी. सहेली इज अ पिल. क्या है आईयूडी है, क्या है जल्दी बताइए. इज अ केमिकल. यस और लास्ट वाला क्या हो गया, कॉपर टी इज नथिंग बट आईयूडी. इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, सुपर ऑसम. राइट ओके या इट्स ट्यूबेक्टोमी. सॉरी माई बैड स्किप्ड. यस यस क्रिस्टीना गॉट इट, थैंक यू. यस 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 क्लियर. ट्यूबेक्टोमी फॉर द फीमेल्स. राइट एंड दिस इज हाउ यू विल राइट द आंसर. अब देखेंगे आप यहां पे, दिस इज 1.5 आंसर एवरीवन. 3 marks का क्वेश्चन तो 1.5 marks यू गॉट इट. ओके एंड देन वी हैव अ सेकेंड पार्ट. ठीक है, what are the advantages of the condoms? Yes, of course, they prevent the STDs. Right, they prevent the STDs, prevent from STDs. On what principle natural method of birth control works? Right, they basically works on the principle that the sperms and egg or the ovum are not meeting each other or there is no fertilization. Right, very good. Super awesome everyone. Good. Withdrawal. Yes, you can write about these terms. Very good, Gudiya. Very good, Mohammed Kaif. Yes. Ikhatba, very good. Ariban, awesome. Very good. Chaliye. Now, surrogacy, ab iska ye dusra part bhi hai. Surrogacy is a practice where another woman bears a child. Theek hai? Aapko basically ek strategy banani hai.
फॉर द इनफर्टाइल कपल्स. तो ये बहुत ईजी है राइट. यहां पे बोल रहा है देयर इज अ सरोगेसी. तो सरोगेसी में क्या होता है, अ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस द जायगोट, सॉरी हु कैन नॉट प्रोड्यूस द गैमेट राइट. एक फीमेल जो एक गैमेट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है वो सरोगेसी के थ्रू इधर दे कैन हैव अ बेबी और ऑफकोर्स दे कैन गेट दी दे कैन एक्चुअली गेट दी गैमेट फ्रॉम इट. ओके, तो आप बस वो पूरा प्रोसीजर लिख देंगे इन शॉर्ट एंड यू आर गुड टू गो. और इसमें आप दो तीन टेक्निक लिख सकते हैं ठीक. चलिए, यस विराट यू ऑलरेडी हैव दैट बच्चे, इट्स ऑलरेडी देयर, वी ऑलरेडी डिड इट. आई विल फॉरवर्ड इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां से लिंक ले लेना. ओके चलिए, वेरी गुड. लेट्स सी क्वेश्चन 15 एवरीवन, टाइम इज रनिंग, ऑल ऑफ यू फोकस फोकस. हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों. आई एम मूविंग अ साइड, मैं साइड आ गई हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए. देखिए मैं क्वेश्चन 15 पढ़ती हूं, बहुत सारे लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया. आरुषि इज द फर्स्ट ऑफ देम. चलिए, व्हाट आर लिम्फोइड ऑर्गन्स, नेम राइट द नेम्स ऑफ एनी फोर लिम्फोइड ऑर्गन्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस. तो ईजी हो गया आपके लिए. बिल्कुल अर्पिता बच्चे, बन रहा है राइट. एवरी डे गरिमा मैम इज कमिंग हियर एंड टीचिंग यू. कल मैम पढ़ाएंगे आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज राइट. तो कल आपको क्लास में आना है 9 बजे. यस, बन रहा है ना सब कुछ, सब कुछ है. वी हैव एवरीथिंग, वी आर लाइक फुली लोडेड, वी नो व्हाट आवर किड्स विल नीड. तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हो गए, सेकेंडरी हैं, दे आर नॉट द प्राइमरी यू नो डिफेंस मैकेनिज्म, दे आर सेकेंडरी राइट. और इसमें बहुत सारे आ गए, स्प्लीन हो गया, बोन मैरो हो गया, थाइमस हो गया. यू कैन राइट द फंक्शंस अबाउट ईच ऑफ देम. ओके, टॉन्सिल्स भी है, वेरी गुड नीलम, वेरी गुड शिव माल्ट, यस. ओके, तो बस आपको बोन मैरो को लिखना है. बोन मैरो क्या कर रहा है, स्प्लीन ऑफ कोर्स वी यूजुअली कॉल एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज. थाइमस में हमारे बी सेल्स हैं राइट, टी सेल्स हमारे, एंड ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग मैच्योर इन द थाइमस रीजन. बिल्कुल ओम, पेपर इजी होगा अगर आप सब पढ़ के जाएंगे तो पेपर इजी होगा. कौन बोलेगा कि पेपर टफ है. चलिए नाउ कैंसर वाला क्वेश्चन. व्हाट इज कैंसर एंड हाउ डू नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफर इनटू द कार्सिनोजेनिक सेल्स. मेंशन एनी वन डिफरेंस बिटवीन द वायरल एंड द सेलुलर ऑन्कोजीन. सो बहुत इजी हो गया ये भी. यस, कैंसर पता है आपको, अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ द सेल्स इन द बॉडी इज यूजुअली कॉल्ड एज अ कैंसर. Yes, they have lost the property of the control inhibition. Kal hi is pe humne question kiya tha and we have today. Yes? Okay, so we have this. How do cells normally get transferred from the cancerous? Easily. Kyunki wo ek dusre se signal pass karte hain, pagal ho jate hain, sunte nahi hain, and they keep on dividing. Right? Viral and of course cellular. Viral mein aa rahe hain. Right? Oncogenes kaun se ho gaye? Jo cancer causing genes hai humare. Yes? Tumor. Or the any of the cancerogenic agents. Clear? Very good. Okay, chaliye. Yes, yes, yes. Question number 16, everyone. Question number 16. Bilkul, Arivan, absolutely correct. Chaliye. Okay, what do you understand by the term somatic hybridization? डिस्कस एनी 3 एडवांटेज ऑफ इट. वेरी गुड, ट्रॉमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पे आपके ऊपर आपको लिखना है, बेसिकली आपके दिमाग के ऊपर सवार होना चाहिए आंसर, क्योंकि ये उस चैप्टर में से एक इम्पॉर्टेंट आंसर है. क्योंकि अगर माइक्रोब्स वाला चैप्टर देखेंगे राइट, उससे पहले वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दीज हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स. यस, प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूजन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, देन वी हैव द न्यू ब्रीड. ओके, और आपको 3 एडवांटेज डिस्कस करने हैं बच्चों. यू कैन राइट हाउ दे गिव अस अ न्यू ब्रीड. एक हमें जो डिजायर कैरेक्टर्स चाहिए होता है ट्रेट्स में, प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में, वो इजीली हमें मिल जाता है. ठीक, चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन. सजेस्ट अ मेथड टू रिमूव ऑयल फ्रॉम सीड्स बेस्ड ऑन अ टेक्निक ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑफ ऑयल्स. ये मुझे कौन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन दे रहा है? यस, जल्दी बताइए. ओके, शिवांशु आस्किंग. इंटरफेरॉन्स बच्चे बनते हैं पर नॉट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी.
राइट बिल्कुल नहीं बनाता है. ओके किसको आंसर ये वाला आता है जल्दी बताइए. यस नहीं आ रहा है. ओके कुछ लोगों ने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है. बायोरेमेडिएशन क्या होता है? बायोरेमेडिएशन में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली एडिंग और रिलीजिंग दी और डिलीटिंग सम जीन्स, राइट? यस ओके. एक बार अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इजीली आ जाएगा बच्चों. देखो डीएनए टेक्नोलॉजी तो पूछ ली उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा हमसे? डीएनए टेक्नोलॉजी तो वो तो पूछ ली, बस यही है. ओके किसी ने बीच में ग्लिसरॉल लिखा था, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आंसर आ जाता है, राइट? वेरी गुड. नहीं नहीं बच्चे ये एनसीईआरटी में है, हमें लग रहा है इसको देख के कि नहीं है बट ये है. तो सजेस्ट द मेथड, कौन सा मेथड है? उन्होंने हिंट दे दिया हमें, इट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. हम वो स्पेसिफिक जीन जो बेसिकली ऑयल कॉज कर रहा है, ऑयल फॉर्म कर रहा है, उसे हटा देंगे. सिंपल. यस ओके वेरी गुड श्याम, वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड डॉक्टर लक्ष्मी. यस बिल्कुल बिल्कुल द क्वेश्चन मार्क. यस अर्पिता वेरी गुड. समझ में आया सबको? ठीक से आंसर. अगर आपको कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो बच्चों, यूजुअली जो आंसर रहता है, जो बिगेस्ट हिंट जो मिलती है हमें कहां से मिलती है? हमारे क्वेश्चन से. आर दिस इज आर स्टैंड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. कुछ भी लिख दो आप इसमें विद द टेक्नोलॉजी. ओके बस इतना ही लिखना है. ठीक है हमें पता है कि ऑयल्स एंड लिपिड्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं. अगर हम इस आरएनए जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर लेंगे, अगर हम बिल्कुल इस जीन को यूज कर लेंगे, ऐड कर देंगे, रिलीज कर देंगे तो क्या होगा? वी आर गुड टू गो, राइट? यस बिल्कुल वेरी गुड. चलिए ओके इसको आपको कैसे लिखना है, आई विल गिव यू द आंसर शीट. ओके यस ठीक है, आई विल गिव यू द आंसर शीट. डोंट वरी अबाउट इट कि आपको किस तरीके से फॉर्म करना है आंसर, वो आपको समझ में आ जाएगा. बस आप अभी ये समझ लीजिए कि इट्स अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जो प्रोसीजर्स है हमारे वो आप इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं. ओके डायग्राम देख के हमें समझ में आता है, इट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट? नेम द टेक्निक, इट्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. स्टेप्स आप बता देंगे क्या क्या होता है. सिक्स स्टेप्स हैं, राइट? This is a 3 marks question, everyone. So one marks, actually less than 1 marks. Half marks will be going on this, कि आपने बता दिया कि ये कौन सा technique है. And rest 2.5 marks, you will be mentioning the steps. Right? 6 steps होते हैं. Isolation है, और क्या क्या है जल्दी बताओ. First is collection. Collection आएगा तभी तो isolation होगा. Yes? कलेक्शन आइसोलेशन डाइजेशन. डाइजेशन के बाद में क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और फिर उसकी स्टडी. ठीक है पीसीआर हमने उसी में इंक्लूड कर लिया. ठीक बिल्कुल बिल्कुल आपकी सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखा है. चलिए ओके अगर ये क्राई जीन जिसको समझ में नहीं आया है, समझ लो कि क्राई जीन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक देखिए क्राई ए ए सी एंड क्राई टू ए बी इम्प्लांट में दिया था, उस प्रोसीजर का नाम बताना है और क्या हुआ था प्रोसीजर से. कल ही हमने डिस्कस किया था बीटी कॉटन के बारे में, गोज इन द स्टमक, राइट? यस तो आपको वो लिख देना है बीटी कॉटन एंड बॉल वर्म के बारे में. दूसरा समराइज द एक्शन ऑफ अ जीन, पता है हमें पेस्ट जो होगा हमारा उसके पास में जैसे ही ये जीन्स जाएंगे उसकी गट में पोर्स हो जाएंगे और वो मर जाएगा. यस एल्कलाइन पीच ऑफ द गट, वेरी गुड. जो क्रिस्टल्स जब एक्टिव हो जाते हैं एल्कलाइन कंडीशंस में और उसकी वजह से इट गेट्स सॉल्युबल एंड ऑफ कोर्स पोर्स कर देता है. वेरी गुड क्रिस्टीना, वेरी गुड धवल. यस वेरी गुड वेरी गुड. चलिए ओके या फिर एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20. अब यहां पे है प्लांट,
राइट द नेम ऑफ अ प्लांट विच इज अ सोर्स ऑफ द कोकेन. कोकेन हमें किस प्लांट से मिल रहा है, जल्दी बताइए. यस शिवानी, शिवांगी प्लीज राइट योर डाउट, होपफुली विल बी एबल टू आंसर राइट नाउ. यस देवाशीष ने पहली बार बोल दिया है, सही है नहीं पता नहीं. यस यू आर राइट और रॉन्ग, कौन बता रहा है? ओके, वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द कोकेन. बच्चों यू हैव टू राइट द नेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है, जो कोकेन देता है. यस फ्रॉम द कोको प्लांट, बिल्कुल आरुषि एब्सोल्युटली करेक्ट. कंपेयर द इफेक्ट्स एंड ऑफ कोर्स ऑफ द हाई डोजेस ऑफ कोकेन ऑन द ह्यूमन बॉडी. आप हाई लिख सकते हैं, हेलुसिनेशन होती है कभी कभार, इन अ वर्स्ट केस इफ इट गोज हाई, राइट. कैन कॉज डिजीनेस, कैन कॉज हेवी इन द ब्रीदिंग, एक्चुअली नम्स योर ब्रेन डाउन, गिव यू अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, साइड इफेक्ट्स हैं ये सब. ओके, कोकेन इंटरफेयर्स विद द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर. दिस इज वन मार्क्स क्वेश्चन. कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जल्दी बताओ. वेरी गुड, डोपामाइन. यस राइट आंसर इज डोपामाइन. चलिए और दूसरा, और मैं आपसे पूछा है, और यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द एमओईटी, राइट. अब इसकी फुल फॉर्म कौन बता रहा है, राइट. एमओईटी, आई विल टेल द ईटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर है. यस मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, वेरी गुड सागर, वेरी गुड खुशबू, प्रियंका, शिवांशु, अरे शिवांशु. यस सो व्हाट दे डू यूजुअली, जो एक फीमेल कैटल होती है, दे विल बी गिविंग द इंजेक्शंस एंड द फीमेल काउ विल बी रिलीजिंग मोर अमाउंट ऑफ द एग्स एट अ टाइम. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मल्टीपल ओव्यूलेशन. जो गैमेट्स बनेंगे उनको हम लोग कलेक्ट करके विल बी एडिंग इन द अदर फीमेल्स कैटल्स एंड ऑफकोर्स दैट इज द मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. वेरी गुड. चलिए अब दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया उसे डेफिनेटली आई एम श्योर कि आज जब गए हमने क्लास पढ़ाई थी, जब क्लास में आपको पढ़ाया होगा ब्लड ग्रुप्स के बारे में, तो आपने अच्छे से पढ़ा है. दिस इज अ टेस्ट बेटा. मैम देखेंगी ये सेशन, जल्दी बता दो सही आंसर क्या है, राइट. एक बच्चे का, कैन अ चाइल्ड हैव अ ओ ब्लड ग्रुप, कैन अ चाइल्ड हैव ओ ब्लड ग्रुप, बिल्कुल. इफ हिज पेरेंट्स हैज ए एंड बी, हो सकता है नहीं हो सकता, पहले तो बोलो हाँ या ना. बिल्कुल हो सकता है, राइट. बिल्कुल हो सकता है. यस आपको बताना है क्रॉस इसका, बहुत अच्छी बात है. वी नो वी हैव अ जीन ए एंड ऑफ कोर्स बी, ठीक. अगर इनमें से एक भी पेरेंट रिसेसिव जीन वाला है, अगर दोनों भी रिसेसिव जीन वाले हैं, सो हमारे पास में एक ओ ब्लड ग्रुप इजीली आ जाएगा. यस और नो, यस और नो, ठीक. तो आप इस तरीके सोचेंगे, इधर यू कैन जस्ट राइट, इवन इफ अगर एक सिंगल पेरेंट भी अगर हेट्रोजाइगस है, तो ऑफकोर्स दैट विल बी गिविंग द कंडीशंस, बट ओ ब्लड ग्रुप के लिए वी हैव टू हैव विद बोथ द पेरेंट्स, ठीक. यस नहीं बच्चों, दे आर टॉकिंग अबाउट ए और बी ब्लड ग्रुप स्पेसिफिकली, क्लियर. चलिए लेट्स सी नाउ केस स्टडी एवरीवन. सेक्शन नंबर डी अमेजिंग है इस बार का, दिस इज ऑल अबाउट द केस स्टडी. यस श्याम, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन ऑन योर स्क्रीन. अब ये ग्राफ तो बीओडी वाला है, दिख गया हमें ग्राफ यहां पे. दिस ग्राफ इज ऑफ बीओडी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर. अब बताना है आपको, एनालाइज करना है और प्रिडिक्ट करना है रिलेशन बिटवीन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और बायोकेमिकल वा. सो आपको याद होगा जब हमने एनवायरमेंट का पढ़ा था चैप्टर, यही राइट. वेरी गुड रमन. बीओडी अगर हायर है तो मतलब वॉटर क्या है, कौन बोला ये, यस वॉटर क्या है, ज्यादा पॉल्यूटेड है. अगर बीओडी हमारा कम है दैट मीन्स
Water is good. Dissolved oxygen और biochemical oxygen demand की बात कर रहे हैं. तो bio देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, right? जो dissolved oxygen है वो तो है. जैसे जैसे BOD बढ़ता जाएगा, BOD biochemical oxygen demand, dissolved oxygen क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. Very good Manan, they are inversely proportional, inversal relation. एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा definitely बढ़ेगा. Yes, very good. बिल्कुल yes किरण. अगर ज्यादा BOD हो गया तो aquatic life decrease हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. Very good. चलो और determine the effect of this change. You have already answered कि हाँ जानवर मर जाएंगे and of course we'll have issues. वाह. Now let me see how many of you will be able to answer question number 23. जल्दी बताइए बच्चों, बहुत प्यारा question है. किसने ये ग्राफ्स देखे हैं? आप बोलेंगे मैम ये हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट आपको पता होगा कि हमने पढ़ाए ये ग्राफ्स. यस बिल्कुल ना. अरे शिवांशु सैड. सो हमें आपको बेसिकली एनालाइज करना है ये थ्री पिरामिड्स और बता देना क्या क्या है. सो बहुत अच्छा है. ए इज पोस्ट प्रोडक्टिव, राइट? ए यहां पे दी आर पोस्ट. तो ये वाला ए वाला क्या हो जाएगा? दिस इज एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग वाला है ये. दिस इज स्टेबल एंड दिस इज डिक्लाइनिंग. यस यस वेरी गुड. यस जसलीन एब्सोल्युटली करेक्ट. वेरी गुड बायो स्क्वाड. बिल्कुल यस यस प्रणव. ओके क्लियर हो गया बच्चों. देखो अगर कंफ्यूजन हो तो इस आंसर की से आप आंसर पता कर सकते हैं. सिंपल सा है, हमें ये तो पता चल गया. ओके आई डिडंट डू एनीथिंग. ओके ठीक है. दिस इज एक्सपैंडिंग क्योंकि यहां पे ये जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो ज्यादा है. ओके ऑफ कोर्स ओवर हियर इट्स काइंड ऑफ स्टेबल एंड ओवर हियर इट इज डिक्रीजिंग. वेरी गुड यस निधि, थैंक यू सो मच. बच्चे अब मत लिखो, मत लिखो अब. वेरी गुड अर्पिता. चलिए नाउ given below are the structure of two spores. Identify the given structure. बता दो कौन कौन से structures हैं? ये तो पता ही होगा. Remember this was a diagram बच्चों जो मैंने discuss किया था आपके साथ में. Important diagrams of 12th की एक series थी, एक छोटी सी video थी, उसमें ये diagram था. Super important. Yes. Cladopora तो ये हो गया. And of course this is what? Penicillin. A is a gamete. कौन सा गैमेट है? कौन सा गैमेट है? वेरी गुड वेरी गुड. दिस इज व्हाट वी कॉल द डेडिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. यस हमारा हो गया जू स्पोर्स एंड द पेनिसिलिन, ठीक, और द कोनिडिया. अब इसके बारे में डिफरेंस लिख दोगे आप और हो गया, ठीक. तो ये तो हमारे जू स्पोर्ट्स हो गए और ये कौन इडिया हो गया? यहां पर मेंशन ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है. एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन दीज आर मोटाइल, दीज आर नॉन मोटाइल, राइट? ऑफ कोर्स दे लुक अलाइक सम टाइम बट दे आर एग्जैक्टली ईच अदर. दे लुक, दे डोंट हैव एनी डिफरेंसेस. यस सो बस थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है, सो यू विल गेट वन मार्क्स फॉर दिस. और चाहो तो इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. Yes, it's a zoospore. Yes, it's a zoospore of the Cladomonas. Yes. Yes, Arushi. Chaliye. Now, 5 marks ke question. Bacho, 5 marks ke question. Dikhne mein bahut zyada daravne lag rahe hain, but they are not. Sabse easy questions pata hai kaun se hote hain 5 marks ke. Do you agree to me? Chalo, let's take 1 minute small break. डू यू एग्री कि सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स वाले होते हैं? यस सिंधुजा, यस राइट. कौन कौन मेरे साथ है? मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है 5 मार्क्स का लिखना कि पता है भैया अब हमारे मार्क्स सिक्योर है, राइट? अब हमारे मार्क्स फुल तरीके से सिक्योर है, टेंशन नहीं है कि मतलब 15 मार्क्स तो आ रहे हैं. जो बच्चे एक्चुअली आई रिमेंबर इन माई स्कूल डेज
बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एकदम लास्ट मोमेंट पढ़ते थे, वो बोलते बस पास हो जाए आज तो उनके लिए 5 मार्क्स तो भगवान के समान थे। 5 मार्क्स 15 मार्क्स यहां से मिल गए, कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, 25 मार्क्स आ गए, हाँ भाई पास। ओके बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं यस। चलिए देखते हैं इनको, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25 एवरीवन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंथर पोलन स्टिग्मा एंड ऑफ विंड पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। विंड पॉलिनेशन, फ्लावर्स कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, एक तो ऊपर होते हैं, स्टिग्मा कैसा होता है, हेरी वाला होता है, एंथर कैसा है, कंप्लीटली ओपन है, राइट बिल्कुल, वेरी गुड जसलीन। सी जसलीन ने आंसर लिख दिया, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर लक्ष्य, ऑसम यस, पोलन्स नॉन स्टिकी यस, बढ़िया है ठीक। दूसरा ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय द हेटरोस्टाइल एंड द डायसी, व्हाई सम क्रॉस पोलिनेशन प्लांट्स डेवलप सच अडेप्टेशन, क्यों, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन भी उन्हें भारी पड़ती है, राइट, दे वॉन्ट टू जस्ट प्रिजर्व दे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डोंट एनी मिक्सिंग, सम टाइम दे वॉन्ट द मिक्सिंग, एंड उसकी वजह से दे ऑफ कोर्स हैव दिस टाइप ऑफ अमेजिंग टेक्निक। यस हर्षित, हर्षित जट, यस बिल्कुल, इन ब्रीडिंग अवॉइड करने के लिए, यस। चलिए अब ये तो हो गया सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओके ओजेनेसिस। अब आपको ओजेनेसिस बतानी है बच्चों, यू रिमेंबर आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है और आज हमने देखा था वो डायग्राम, दैट होल चार्ट यू हैव टू ड्रॉ सिंपल, उसको बना दो और थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, यू विल गेट योर 5 मार्क्स ठीक। बिल्कुल बिल्कुल डायग्राम सफिशियंट है क्योंकि उन्होंने पूछा है सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन एट ईच स्टेज, ठीक है, और उसे रिलेट कर देंगे आप इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल से, बस यही करना है, ओके क्लियर बिल्कुल राइट एवरीवन। इतना ही है और कुछ नहीं, आप इसे आराम से लिख सकते हो। राइट ठीक यस अंश। चलिए दूसरा ये पूछा है, वुमेन पासेस एचसीजी हार्मोन इन द यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाई, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन हो जाती है जब, जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है तो प्लेसेंटा विल स्टार्ट रिलीजिंग द हार्मोन एंड दैट जस्ट शोज द प्रेगनेंसी स्टार्टेड, राइट वेरी गुड यस, प्लेसेंटा डज दैट। Now question number 26 everyone, the term biodiversity is used to describe diversity, और बहुत कुछ बताती है डाइवर्सिटी हमको, आपको बताना है कौन से 3 interrelated hierarchical levels of the biodiversity, कौन कौन से 3 है, species, genetics और ecosystem, yes or no, yes or no, बिल्कुल यस अंश, डोंट वरी अबाउट द पेपर, यू विल डू ऑसम ठीक। तो बस आप इन तीनों के बारे में लिखेंगे और थोड़ा सा उसमें मेंशन कर देंगे, राइट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू ड्रॉ द पिरामिड ऑफ एनर्जी जो हमेशा अपराइट रहता है, रिमेंबर पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स, राइट, इट्स ऑलवेज अपराइट, आपको वो बनाना है, वो ड्रॉ करने को बोल रहा है आपको। इसके अलावा आपको 10% लॉ बताना है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बड़ा चढ़ा के दिया है उन्होंने, बट इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया जूल्स के बारे में कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, सो यू विल बी अप्लाइंग द 10% लॉ एंड आप बस लिख दो और बना दो अपना पिरामिड। सी देवाशीष ने आंसर शेयर कर लिया हमारे साथ, नहीं इंद्रराज ये बच्चे पिरामिड ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, सो इट विल नॉट बी दी दैट यू आर सेइंग, उसमें तो इन्वर्टेड होता है ना, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी स्ट्रेट जाता है, प्लांट ने खाना खाया, खाना बनाया और उसे ग्रास ऊपर ने खा लिया,
ग्रास ऑपर ने खा ली तो उसे फ्रॉग ने खा लिया, एनर्जी क्या हो रही है, जा रही है, राइट, 10% लॉ, ठीक। चलिए फिर आपको बताना है रिलेशन बिटवीन दी ग्रॉस एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यस और नो, यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, ठीक, ओके, बिल्कुल राइट, ग्रॉस एंड दी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वेरी गुड श्याम, वेरी गुड श्याम, वेरी गुड नीलम, माइनस आएगा श्याम, माइनस आ जाएगा बच्चे, ऑसम, ये आप लिख देंगे, नियर गुड टू गो। चलिए ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27, डिस्कस द वर्क ऑफ मेंडल्स ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है तो ये है, यस राम, ओके, हाँ, व्हाट डज अ स्टैंडिंग स्टेट ऑफ ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट्स, हाँ, लिविंग मास, वेरी गुड क्रिस्टीना, राइट, व्हाट डज अ स्टैंडिंग स्टेट ऑफ द ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट्स, क्या बताता है हमको, यही बताता है कि भैया सब सही है और लिविंग मैटर और बायोम्स है हमारे पास में एट द गिवन टाइम। नाउ बच्चों ये जो क्वेश्चन 27 का जो फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू राइट अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंपल क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, यू विल मेक F1 जनरेशन F2 जनरेशन, और उसका रेशियो आप लिख देंगे, ठीक। स्टेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिनोटाइप कैसे आएगा वो आप बता देंगे, फिनोटाइप को पता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाएंगे, वेरी गुड, 3:1 and 1:2:1, वेरी गुड, ये होते हैं बच्चे जिन्होंने जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ी है, राइट। चलिए द पैटर्न ऑफ ए ए बी ओ इज एग्जिबिटेड इन द डोमेंस, इज द डोमेंसी और द को डोमेंसी और द मल्टीपल एलील्स, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच कॉन्सेप्ट विद द ब्लड ग्रुप, बहुत अच्छा है, यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट द ब्लड ग्रुप्स, कैसे ये तीनों चीज आप को रिलेट करेंगे हमारे ब्लड ग्रुप के साथ में। डोमिनेंट पता है ए एंड बी के बारे में आप बात करेंगे, दे बोथ आर डोमिनेंट, राइट, या फिर ए और सिंगल बी के बारे में बात करेंगे जो डोमिनेंट है ऑन दी ओ ग्रुप, को डोमिनेंसी में बात कर लेंगे ए बी ग्रुप की, एंड मल्टीपल एलील्स में भी बात कर लेंगे, राइट, 3 एलील्स ए बी एंड ओ, क्लियर, यस आरुष, यस आरुषा, यस आरुषा, यस, क्लियर एवरीवन, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, वेरी गुड, एक्सप्रेस टुगेदर। चलिए बच्चों थोड़ा सा आराम कर लो, अब थोड़ा सा आराम करो, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ, अभी क्लास के बाद में मैं अभी आपके साथ में आई शेयर द आंसर्स एंड ऑफ कोर्स आई शेयर सम अमेजिंग वीडियोस विद यू, ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, हिट द लाइक बटन बच्चों, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, प्लीज हिट द लाइक बटन, विल डू दैट डेफिनेटली, यस दैट्स अ गुड सजेशन, राइट। चलिए यस एवरीवन, एवरीवन थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए साथ में, कल हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, वुड लव टू सी यू इन क्लास एवरीवन, टेक केयर, कीप ऑन स्टडिंग, बाय बाय, बाय बाय।